नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय खड़ा हूं उत्तराखंड के देव प्रयाग जगह। जी हाँ, ये देव प्रयाग जगह ये एक ऐसी जगह है, धार्मिक जगह, जहां पे दो नदियां यानी कि दो नदियों का संगम होता है। जिसमें पहली नदी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो यहाँ से आ रही है ये नदी, ये अलकनंदा कही जाती है। और इस साइड से जो आपको दिखाना चाहूँगा, वो नदियों का संगम हो रहा है। ये घाट इस प्रकार से है। यह नदी जो आ रही है यह केदारनाथ से आ रही है, और यह नदी जो आ रही है ये आ रही है आपकी बद्रीनाथ से। जी हाँ, यहाँ पे आके दो तीन नदियों का प्रमुख यहाँ पे संगम होता है। और देखने लायक जगह है, बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक नेचर है, बहुत ही बढ़िया। देखने में लगता ही नहीं है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं कि जहाँ दो पवित्र नदियों का संगम हो रखा है। और देखने के बाद एक अलग ही फील होता है कि हाँ, हम किसी जगह आ चुके हैं। तो मैं आपको भी कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ का जो वादियों का है, एक नदी ये मेरे पीछे बहती आ रही है, अलकनंदा है, और एक ये आ रही है पीछे की तरफ आते, ये है भागीरथी, जो कि अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ से, और भागीरथी जो आ रही है वो आपके केदारनाथ से होते हुए आ रही है। कृपया कृपया देखने का नज़ारा चेक कीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर दो नदियों का जो समागम दिया गया है इस प्रकार से है कुछ। और यहाँ बहुत तेज एक छोटा सा घाट दे रखा है यहाँ नहाने के लिए, जिस पर दोनों नदियों का संगम होता है। और इस प्रकार से कुछ ये घाट है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये सारा इधर नहाने के लिए व्यवस्था दे रखी है। और इधर का कुछ नज़ारा कि किस प्रकार से सुबह सुबह यहाँ पर ठंड का मौसम है और ठंडी हवा चल रही है, फील कर सकते हो। मैं भी शरीर फील कर रहा हूँ, क्योंकि इस नदी का जो अलकनंदा, इस नदी का थोड़ा पानी मतमैला सा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, और जो भागीरथी नदी आ रही है इसका थोड़ा सा पानी में चेंजेस है। ये देखिए, ये तो मेरे पीछे अलकनंदा है और ये है भागीरथी, इन दोनों के पानी में भी फर्क है। एक थोड़ा साफ पानी हरे हरे कलर का सा, एक थोड़ा मटमैला पानी सा है। एक बार आप देखिएगा इस प्रकार से कुछ ये वीडियो में आपको लगा रहे दिखाना चाहूँगा। यहाँ की ऊँची वादियों में जाकर देखने के बाद क्या कहते हैं आप देखिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नहा रहे हैं सुबह और घाट पे आके आनंद ले रहे हैं एक प्रकार से, कैसा क्या है। और अलग ही सुकून मिलता है कुछ धार्मिक पौराणिक जगहों पर आने के बाद। और इन नदियों का जो मिलाप है जो अपने आप में ही एक विचित्र है, जो अलग ही फील कराता है कि हाँ, यहाँ पर एक देवभूमि का नाम दिया जाता है। जिस प्रकार से यह नदी आ रही है, यह है अलकनंदा और ये मंदाकिनी, देख सकते हैं इन दोनों के पानियों में भी फर्क है। यहाँ मिलाप हो रहा है दोनों का, यह काला है और यह है थोड़ा सा नीला पानी, यानी मटमैला पानी। कृपया करके बने रहिए। और लगभग रोड से, मेन रोड से, देवप्रयाग रोड से ये घाट लगभग 350 सीढ़ियों के हिसाब से नीचे उतरता है, बहुत ही गहराई, बहुत ही हाइट में। आप देख सकते हैं हम इस समय वह रोड जो ऊपर जा रहा है वहाँ से हम नीचे उतरे हैं लगभग 350 सीढ़ियों के साथ में। जी हाँ बिल्कुल, ये है अलकनंदा जो कि यहाँ से बहती हुई आ रही है, और एक ये है मंदाकिनी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस प्रकार से यहाँ का नहाना है। और ये हमारे कुछ मित्रगण हैं यहाँ पर नहाने के लिए जाते हुए और मज़े ले रहे हैं संगम नदी के घाटों का। कुछ इस प्रकार से देखते हैं अलग अलग, यह भी एक पुराने और धार्मिक कहते हैं कि हर किसी को यहाँ का नसीब नहीं मिलता नज़ारा देखने को। कृपया करके देखिए, बहुत अलग ही प्रकार की शांति है यहाँ पे, जो कि देखने में ही फील होता है कैसा क्या है। ये देखिए कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो नहाने के लिए जा रखे हैं अंदर, हेलो वर्ग, ये देखिए नहाने के लिए यहाँ पे स्नान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नहा के पवित्र नदियों का संगम होने के बाद यहाँ घाट पर नहाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार बहुत ही अच्छा फील होता है देखने में, फ्रेशनेस ही अलग आ जाती है, नदियों में सारी थकान दूर हो जाती है। मैं भी आपको सजेशन करूँगा एक बार आप आइए यहाँ पर कुछ फैमिली के साथ में घूमिए और मज़ा कीजिए। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा है, और यहाँ पर नहाने का प्रोग्राम आपने हाथ जोड़ कर पूजा करते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि जो हमें इस देव भूमि पर आने का स्वागत किया। इसी के साथ यहाँ पर ब्लॉग प्रोग्राम बने, आपके लिए समय बने रहिए मेरे साथ आए के लिए। फिर दोबारा नए ब्लॉग पर नया दिखाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। शुक्रिया।